नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूजा शुक्ला। नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। राजस्थान के जोधपुर शहर में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में रविवार देर शाम एक मकान में आग लग गई। इस मकान में आग लगने से 3 महिलाएं और एक पुरुष की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक परिवार की एक बीमार बेटी को बाहर निकालने की कोशिश में पूरा परिवार आग की लपटों में गिर गया और खुद को बचा नहीं पाया। आग की लपटें बंद होने के बाद 4 कंकाल मिले हैं। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 घंटे की बरसात ने मुंबई की सूरत बिगाड़ दी है। कहीं पानी में कार तैरती दिखी तो कहीं बाइक बहने लगी। कुछ इलाकों में घरों में पानी भी घुस गया है। वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़क तालाब हो गई है। बस अड्डे टापू हो गए और ट्रेन की पटरियां पानी में डूब गई। वहीं हवाई यातायात पर भी मौसम का असर देखने को मिला है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चल रहे लंबे विवाद और खींचतान के बाद आखिरकार केंद्रीय अलगनामा ने यह बड़ा फैसला ले ही लिया। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि कैप्टन और सिद्धू का क्या आपस में हाथ मिलाकर चुनाव में जीत दिलाने में जुटे हैं या नहीं। दिल्ली वासियों को इन दिनों गर्मी से राहत मिली हुई है। दरअसल दिल्ली में आज सुबह सुबह बारिश देखने को मिली। इस कारण राजधानी में मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। वहीं झमाझम बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला है। इस कारण राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी देखने को मिली। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र में मोदी सरकार का स्वरूप बदला है क्योंकि मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए। कई मंत्रियों की जिम्मेदारी भी बदली गई है। ऐसे में मंत्रियों के सामने विपक्ष के सवालों का सामना करने की बड़ी चुनौती होगी। विपक्षी दल सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिसमैनेजमेंट, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध से जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष की मंशा भाम सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक में ये जरूर कहा गया है कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद मॉनसून सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। देखिए आज की 5 बड़ी खबरें। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़।